हेलो, आई एम सुजाता चौहान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की ये मेरी वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनकी यह शिकायत होती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है हमसे। हम पढ़ाते हैं परंतु वह बिल्कुल भी अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। तो इस वीडियो के जरिए आज मैं उन सभी पेरेंट्स की यह शिकायत दूर करने की कोशिश करूंगी। उन्हें कुछ छोटी छोटी टिप्स दूंगी जिसके जरिए, जिसको उपयोग में लाकर वो अपने बच्चों को इजीली पढ़ा सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बच्चों को पढ़ाते समय पेशेंस रखना होगा। कई पेरेंट्स जरा सी देर में अपना पेशेंस खो देते हैं और पढ़ाते समय अपने बच्चों पर हाथ उठा लेते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। याद रखें कि छोटे बच्चे केवल प्यार से पढ़ सकते हैं, वो खेल खेल में नई चीजें सीख सकते हैं, ना कि जबरदस्ती। तो अपने बच्चों को पढ़ाते समय उन पर हाथ बिल्कुल भी ना उठाएं और ना ही उन्हें डांटें। उन्हें हर चीज बड़े प्यार से समझाएं और समझाते समय धैर्य जरूर रखें। कई बच्चे चीजें जल्दी समझ लेते हैं तो कुछ को थोड़ा समय लगता है। तो पेशेंस बहुत ही जरूरी चीज है जब भी आप अपने बच्चों से डील कर रहे हैं, खासकर उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो हैव पेशेंस। दूसरी चीज बच्चों को पढ़ाते समय आपको ध्यान रखनी है कि आप पूरी तरह से फ्री होकर अपने बच्चों के पास बैठें। कई माताएं अपने बच्चों को पढ़ाते समय फोन लेकर बैठती हैं और फोन में ही बिजी हो जाती हैं। या तो वो किसी से बातें कर रही होती हैं या फिर किसी से चैटिंग कर रही होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, पूरा फोकस अपने बच्चों पर रखें, तभी वो आपसे पढ़ सकेंगे। बच्चों को जो भी याद कराएं वो इंटरेस्टिंग बनाकर याद कराएं। उन्हें बिल्कुल भी चीजों को रटाएं नहीं, उनको खेल खेल में पढ़ाएं आप। जैसे कि किसी वर्ड का अगर आपको स्पेलिंग याद कराना है बच्चे को, तो उनसे कहें कि ये स्पेलिंग बार बार बोलें वो, और उन्हें खेल खेल में बार बार बुलवाएं ये वर्ड के स्पेलिंग, और हो सके तो इस वर्ड का उन्हें मतलब समझाएं और इसका साथ ही उनको प्रयोग भी बताएं, सेंटेंस बनाकर उन्हें समझाएं। इससे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस वर्ड में और वो जल्दी से इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेंगे और इवन उसको सेंटेंस को भी वो याद कर लेंगे। इससे उनको एक नया सेंटेंस भी सीखने को मिलेगा। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह है टाइमिंग। छोटे बच्चे कभी भी ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते, वो जल्दी ही बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो इसलिए उनकी सिटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 1 घंटे से ऊपर की कभी भी उनकी सीटिंग ना रखें। 1 घंटे पढ़ाने के बाद उन्हें आप 10-15 मिनट का ब्रेक दे दें और इस ब्रेक में उन्हें आप कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, जो भी उन्हें पसंद है, जूस, फ्रूट, बिस्किट, वो आप उन्हें दे सकते हैं। इससे उनकी डलनेस दूर होगी, उनमें एनर्जी आएगी और वो नई सीटिंग के लिए 1 घंटे की और आपको सीटिंग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप टाइमिंग का ध्यान जरूर रखें उनको पढ़ाते समय। 5वीं चीज जो आपको पढ़ाते समय ध्यान रखनी है, बच्चों का पोस्चर। बच्चों को सही ढंग से बैठने के लिए कहें, हो सके तो उन्हें टेबल चेयर पर आप पढ़ाएं। इससे उनका पोस्चर तो ठीक रहेगा, साथ ही उनकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी। हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, आप उन्हें डेली एक राइटिंग का पेज दे सकते हैं लिखने के लिए। आजकल बाजार में बहुत सी बुक्स उपलब्ध है, राइटिंग की बुक्स होती है, वो बहुत सारी बुक्स मिलती है आजकल बाजार में। आप उनको उसकी बुक का एक पेज डेली दीजिए। नहीं है बुक आपके पास तो कोई बात नहीं, कॉपी के पेज पर आप 2-3 सेंटेंसेस लिख कर दे दें उन बच्चों को और उनसे कहें कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं वही सेंटेंस देखकर आप अच्छी अच्छी राइटिंग में इनको दोबारा लिखें। तो जिसकी भी आपको राइटिंग सुधारनी है, चाहे इंग्लिश की चाहे हिंदी की, आप उसी लैंग्वेज की आप बच्चों को दे सकते हैं सेंटेंस। इसके साथ साथ आपको उन्हें प्रोत्साहित भी करना है, कभी भी उनका कंपैरिजन ना करें। चाहे सिबलिंग के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं या क्लासमेट से, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उन्हें अच्छे मार्क्स लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि उनसे ये कहें कि तुम्हारी बहन या भाई के कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते, तुम्हारे क्लासमेट के इतने अच्छे मार्क्स क्यों आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो ये चीज नेगेटिव होती है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कुछ पेरेंट्स ऐसे बार बार अपने बच्चों से कहते हैं, बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए अपने बच्चों से, उनका कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो यह और भी अच्छी बात है। कई मम्मीज को लगता है कि यह तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, अरे बाप रे 2 बच्चों को पढ़ाना, ना बाबा ना। परंतु डरे नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है, बल्कि बहुत ही इजी है बच्चों को 2 को पढ़ाना। मेरे भी 2 बच्चे हैं। अगर आप अपने बच्चों में कंपटीशन की भावना जागरूक कर देते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है 2 बच्चों को पढ़ाना। आप उनसे कहें कि कौन अच्छा बनकर पढ़ेगा, कौन अच्छे मार्क्स लाएगा,
देखती हूँ कि कौन पहले ये चीज याद करेगा। ऐसी चीजें बोल बोल कर आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनमें कंपटीशन की भावना को जागरूक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे एक दूसरे से आगे आने के चक्कर में आपकी बात मानेंगे और वो जल्दी जल्दी चीजों को याद भी करेंगे। जो भी आप उन्हें समझा रहे हैं, जो भी उन्हें याद करा रहे हैं, वो जल्दी से याद कर लेंगे। चोको, उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके काम आएंगी। आप सभी का धन्यवाद।